दोस्तों ये देखें, अभी हम आ गए हैं बंगाली पाड़ा गोधरा कॉलोनी पे। ये देखें यहाँ पे बड़ी मीठा गुलगुला 30 रुपया है। कुछ यूनिक चीजें से लगी हुई है। मीठा पूरी है 30 रुपया। ये क्या चीज है भाई? मीठा पूरी है। ये मीठा पूरी है, ये देखें 30 रुपया। 30 रुपए की है। मीठा गुलगुला है। और ये क्या चीज है भाई? मीठा गुलगुला है, आटा है, मैदा है, चीनी है। गुलगुले हैं भाई। और ये बड़ा यूनिक सा है, ये अंडा पराठा है। ये अंडा पराठा शायद ही अभी तक किसी ने देखा हो इस तरीके का। ये अंडा पराठा कितने का भाई? 250 रुपया। 250 रुपए का अंडा पराठा भाई। बाकी समोसे तो आम से हैं। समोसा 30 रुपया। 30 रुपए का समोसा है। अच्छा बाकी ये क्या चीजें लगी हैं भाई? ये दाल का पकौड़ा है, एक दाना 10 रुपया, 200 रुपए का पाव है। क्या पाव है ये? 200 रुपए का पाव है। 200 रुपए का पाव। मिर्ची का पकौड़ा है, एक दाना 20 रुपया है। ये आलू का पकौड़ा, एक दाना 10 रुपया है। ये भी 20 रुपए का है। और है ये मिर्च भी 20 रुपए की है भाई। और ये चने का क्या हिसाब है? 230 रुपया। चना 30 रुपए प्लेट है। 230। अच्छा दोस्तों ये देखें, ये सब सादा पूरियां बन रही है। हाँ 30 रुपए। 30 रुपए की एक पूरी है। ये अभी कढ़ाई में जाएगी। हाँ हाँ कढ़ाई में जाएगा। ये कढ़ाई में आ गई। हाँ ये कढ़ाई में चली गई। दो सौ 230 रुपये। और दोस्तों ये आलू के सालन से खाने के लिए है, जो जिसे हम आलू का सालन बोलते हैं हम लोग भी। मोरिस पिया बंगाली पड़ा अंडा मार्केट है पूरी। हाँ हाँ अंडा तो थक भी ना कमने में भी 130 रुपये बार। तो ये देखें दोस्तों पीसेस हो रहे हैं ये अंडे पराठे के। थोड़ा सा यूनिक है भाई ये। भाई हमारे काठियावाड़ी बच्चे हैं, सेक्टर 11 डी से आए। ये भी अंडा पराठा लेने के लिए आए। प्याज काटा है? ये देखें, ये लेडीज फिंगर है ये फिश। और यहाँ पर मजीद इनके, ये अभी पोटा कलेजी रेडी हो रहा है। और ये चने रेडी हो रहे हैं, ये पोटा कलेजी रेडी हो रहा है। अभी तकरीबन मगरिब हो जाएगी इसमें 1 से 1.5 घंटे के बाद। ये लेडी फिंगर है। यहाँ पे मजीद और आइटम भी होते हैं। ये देखें कलेजी रेडी हो रही है। ये कलेजी है, ये फिश है। और ये देखें ये इनका चावल है, जो कि मछली के दाल के साथ, मछली के सालन के साथ खाया जाता है। मोटा चावल होता है, जो कि ये लोग बड़े शौक से खाते हैं। और हमारे कराची वाले भी बड़ी मदद लेके खाते हैं। चावल बड़ा साफ सुथरा था है, अच्छा चावल है। ये देखें। अच्छा बाबा ये चावल की प्लेट कितने की है? मछली के सालन के साथ 220 रुपए की है भाई ये। और दूसरी मतलब ये जैसे लेडी फिंगर है, इसके साथ भी 220 रुपए की है भाई ये। ये लेडी फिंगर है, इसके साथ भी 220 रुपए की है। तो दोस्तों ये देखें हमारा पूरी पराठा रेडी हो रहा है। ये देखें इसका साइज देखें, जंबो साइज का है ये भाई। कितने का है ये? 230 रुपये। ये 230 रुपये का है। ये किसका है? ये अभी मैं आपको बनते हुए दिखाता हूँ। ये भाई हमारे 11 डी से आए, काठियावाड़ी के हमारे। ये भाई भी 11 डी से आए। भाई आप इतनी दूर से यहाँ पे बंगाली पाड़े के अंदर ये पराठा लेने आए, क्या खसूसियत आपको, किसने भेजा है, कोई खास बात है इस पराठे में?
भाई ये पराठा या अंडा पूरी पराठा बहुत फेमस है यहाँ का। हम 11D न्यू कराची से आए यहाँ पे लेने के लिए अंडा पूरी पराठा। हमारे मोहल्ले में कहीं भी नहीं मिलता है अंडा पूरी पराठा। अच्छा तो आप लोग वहाँ पे बना तो सकता है, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। लेकिन हमारे बड़ों को आता नहीं है। मेन ये बंगालियों की वो है, ये फूड है बंगालियों की, बनाना आता है उनको बस। चले भाई आप इंजॉय करो पराठे को, मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये देखें भाई कढ़ाई में चला गया अंडा पराठा और रेडी भी होकर आ गया है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। ये देखें ये रेडी हो चुका है पराठा, अंडा पराठा बोल रहे हैं, पूरी पराठा बोल रहे हैं इसको, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये इतनी दूर से बंदा लेने के लिए आया यार, हैरत की बात है। कोई ख़ास तो बात होगी इसके अंदर यार। भाई होटल का क्या नाम है? होटल का नाम है वो सुफियान होटल। सुफियान होटल भाई बंगाली पाड़ा। बंगाली पाड़ा। ये देखें कितना मज़ेदार उन्होंने तरीके से काट के रखा है। ये अभी इन्होंने बता रहे हैं सही तरीके से नहीं काटा है, मजीद काटेंगे भी इसको। अंडा होता है और फिर मसाले, इसके अंदर अंडा होता है और मसाले मिक्स होते हैं इसके अंदर और बहुत लजीज, इतना मज़ेदार बनाते हैं और अच्छा होता है माशाल्लाह। क्या नाम क्या भाई अपने अपना नाम? मोहम्मद फयाज नाम है। बांग्लादेश में मेरे यहाँ पर हो गए तकरीबन 5 साल। 5 साल हो गए भाई ये, लेकिन ये मैंने अभी तक कहीं पर बना हुआ देखा नहीं है, तो ये कैसा ख्याल आया ये बनाने का? ये सब बस ये कस्टमर खाते हैं अच्छे लगते हैं तो हम बनाते हैं, बिकता माल तो हम बनाते हैं, इसलिए अच्छा जैका जो होता है जो इंशाल्लाह आगे भी पसंद आता है फिर आगे भी खाएंगे। चले भाई चले देखते हैं अभी दूसरा पराठा निकलता तो उसको एंजॉय करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें। ओके भाई थोड़ी सी यूनिक सी चीज़ें मिल रही हैं इधर। ये देखें ये दूसरा पराठा निकला है, अंडा पराठा, अंडा पूरी पराठा बोल लें इसको। और ये गुलगुले तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखे हैं भाई। तो दोस्तों ये देखें भाई मीठे गुलगुले जिसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ कराची में, बहुत लजीज होता है ये। सौंफ इलायची डला होता है इसके अंदर, बड़ा टेंडर सा बड़ा मज़ेदार सा है। ये देखें ये जो हमारे यहाँ शादियों में जो बनते हैं ये वो है, देखने में लजीज लग रहा है यार। तो दोस्तों मैं भी ट्राई करके बताता हूँ आपको ये कैसा बना है। जबरदस्त है, बहुत अच्छा है भाई, मज़ेदार। तो दोस्तों अब आगे आ गया हूँ मैं, ये देखें यहाँ पर दुम बोटियाँ बिक रही हैं भाई। दुम बोटी है, ये किस चीज़ की बोटी है भाई? ये किस चीज़ की बोटी है? ये खीरी का है। ये खीरी की बोटी है और ये दुम का है। ये दुम की बोटी है। ये कैसे कैसे चला रहे हैं भाई? ये 20 रुपए की सीख है ये भाई, ये 20 रुपए की सीख है। और ये भी 20 रुपए की सीखे हैं भाई। ये है बंगाली पाड़ा न्यू कराची गोधरा कॉलोनी। हाँ बफर जोन है भाई, ये बफर जोन है। तो दोस्तों मैंने सोचा यार चलो रेस्टोरेंट की तो बना ली, दुमो की बना ली, तो फिश की बनाता चलूँ। तो भाई ये देखें फिश आ गई है। फिर से मैं आ गया हूँ, ये देखें नारियल रखे हुए हैं और ये ड्राई फिश है और मेरे ख्याल में ये भी शायद फिश ही है, ये भी फिश है। ये क्या चीज़ है यार? ये झींगा है छोटा वाला। ये झींगा किसका आता है? खाने के काम आता है ये झींगा, भी खाने के काम आता है जो आप वीडियो में पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ आइटम होते हैं, ये गुड़ मिलेगा इनके पास आपको, ये खजूर का गुड़ होता है और पाकिस्तान में जो गुड़ होगा वो होगा गन्ने के रस का, लेकिन ये वाहिद गुड़ है जो कि खजूर से बनता है और ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। क्या किलो है ये? 700 रुपये का पाव है भाई, 2400 रुपये किलो है ये।
2800 रुपये किलो, लेकिन ये कि मुनासिब कर देंगे ये अगर आप लेने आएंगे तो। ये गुड़ बड़ा फ़ायदेमंद है, और बाकी इनके पास ये सारे अदर आइटम रखे हैं, खाली सरसों का तेल है, अचार है, और यहाँ पर बैलगिरी है, ये देखें बैलगिरी, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है भाई, ये खाना चाहिए इंसान को, ये जिसने नहीं खाया उसका बुढ़ापा आया, ये लाजमी खाएं भाई, आजकल के जवान तो ये उनको पता ही नहीं है क्या चीज़ है ये। और अनारगली, नारियल, और लेडीज़ की पसंदीदा चीज़, और ये अदरक है भाई, हल्दी हल्दी हल्दी, गलती से निकल गया मुंह से, ये हल्दी है भाई, इंडियन है बांग्लादेशी है, अच्छा पाकिस्तान में भी है ये। चलिए भाई दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी दबाया करें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।